सब सब मिल के लव है बट लूंगी लेकिन नॉट एवरी सिंगल डे, जैसे कि वीक में तीन बार ले लिया, चार बार, तीन और दो बार बस, दैट्स इट, सब अलग अलग। तो गाइज ये लोकेश कुछ कहने जा रही है आपको कि मुंबई जाएगी तो ये क्या करेगी, क्या करोगी? सो फिर से अपना डाइट फॉलो करना है। ओके सो इसको हेल्दी डाइट खाना है। यस सो इसने प्लान किया है। रोटी नो, रोटी नो चपाती, वो वैसे भी मैं नहीं खाती। अच्छा रोटी चपाती अलग अलग। सॉरी आई एम सॉरी, या नो रोटी एंड नो राइस। ओके तो ये हेल्दी डाइट खाने की बात कर रही है। अरे तुम रहने दो गाइस, उल्टा बोल गई, इसको बोलना था व्हाइट ब्रेड व्हाइट राइस, तो ये ब्राउन ब्रेड और ब्राउन राइस बोल गई। मैंने उल्टा नहीं बोला, मैंने उल्टा नहीं बोला, मैंने सही बोला। अच्छा मतलब व्हाइट लोग ब्राउन ब्रेड खाते हैं फॉर हेल्दी लाइफ, नहीं ठीक है, मगर ये हेल्दी रहने के लिए ब्राउन ब्रेड नहीं खाएगी। मेरे लोग ब्राउन राइस खाते हैं, ये ब्राउन राइस नहीं खाएगी, नहीं खाती, क्योंकि मैं सी उसमें भी क्या कहते हैं आपका आपको आप सीधे बोल रहे, मैं राइस ही नहीं खाऊंगी, ये ब्राउन राइस क्यों बोला आपने? अरे क्योंकि लोग डाइट में फॉलो करते हैं ब्राउन राइस विद ब्राउन ब्रेड, तो मेरे कहने का मतलब ये की मैं वो भी नहीं खाऊंगी। क्या नाम है आपका? जावेद जी। जावेद जी जो ब्रेड बटर लेके आए सुबह सुबह हमारे लिए, नाश्ता लेके आते हैं और चाय लेके आते हैं, और शक्कर बहुत कम डालते हैं ये, इनको बोला भाई मीठी चाय चाहिए मीठी, मगर नहीं मानने को तैयार नहीं, ये उसमें भी शक्कर बचा रहे हैं। पता नहीं कितना कितना ये कितना मीठा देता यार ये। चाय दी तो उन्होंने गुस्से में इतनी चाय दी मेरे को, बोले तुम्हें इतनी ही मिलेगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम बहुत ज्यादा होशियारी दिखा रहे हो। इन्होंने इतनी चाय निकाल के मेरी बेइज्जती कर दी है, देख लो गाइस, ये मिल रहा है मेरे को यहाँ पे, ये इज्जत है, ठीक है। और चाहिए अरे चाय, कहने का मतलब देखो ब्राउन ब्रेड और ये व्हाइट और राइस और व्हाइट व्हाइट ब्राउन, ये व्हाइट ब्रेड तो है ही नहीं लिस्ट में मेरे, जो डाइट फॉलो करते हैं समझ रहे हो ना, आप ब्राउन ब्रेड लेते हैं, आप समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रही हूं? आई कांट टेक इट, हां वो मैं ले सकती हूं, जैसे कि खा के रही ब्राउन व्हाइट ब्रेड, हां क्योंकि आज खा रही हूं मैं, क्योंकि हमारा कश्मीर में हां मोटा हो गया, लो उनने भी कह दिया मोटा हो गया, तुम मोटे हो गए, वो बोल रहे तुम दो यार, गाइस बहुत मोटी मैं बता रहा हूं, तुम्हें पता है मैं इनको पता है कि मैं अभिजीत को पता है कि मैं कितना डाइट फॉलो कर रही थी, कुछ नहीं फॉलो कर रही है हमारा, अभी जितना भी था शूट अभी हम इंजॉय कर रहे हैं, ऑलमोस्ट डन हो चुका है, अभी सिर्फ इंजॉय करें, इसलिए जो मेरा दिल करेगा मैं वो खाऊंगी और मुंबई में जाके फिर बैक टू माय लाइफ, जो भी मुझे मेरा डाइट है, नो ब्राउन ब्रेड, नो ब्राउन राइस, नो कुछ भी, कुछ भी, नो ग्रीन टी, नो ब्राउन ब्रेड, नो राइस, ये सब पिएगी, व्हाइट ब्रेड खाएगी, व्हाइट राइस खाएगी, मैंने ग्रीन टी पीना बताया, मुंबई में जाके तुम नहीं पियोगी ना, मैं नहीं पियूंगी ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी एंड बॉइल दाल एंड ओट्स लिटिल बिट, एंड ओट्स क्या होता है, ओट्स होता है, तुमने ओट्स नहीं खाया सीरियसली? हिंदी में क्या बोलते हैं ओट्स को? ओट्स ही बोलते हैं हिंदी में, ओट्स ही बोलते हैं, मुझे ओट्स पता है, ओट्स क्या बनता है मुझे नहीं पता किससे बनता है, लेकिन हाँ ओट्स है, वो भी मैं वीक में 2-3 ये सब तुमको किसने बताया क्यों खाना चाहिए? यार डाइट का रहता है, उसमें क्या होता है ये जो हमारी बॉडी को जो ये कार्बोहाइड्रेट मिलता, सॉरी कैलोरीज जिससे मिलती है उसमें उसकी कैपेसिटी कम होती है, उसमें फाइबर होता है, उसमें उससे बहुत सारा फाइबर होता है और वो बहुत ही हेल्दी होता है, उसमें कार्ब्स की क्वांटिटी बहुत कम होती है और वो लेना चाहिए, सुन रहे हो सब लोग, कार्ब्स की क्वांटिटी बहुत कम होती है। डॉक्टर लोकेश शर्मा, डॉक्टर तो तुम हो, मैं हूँ बस दिखा तुम नहीं डॉक्टर भी, तो वो बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मैं ओट्स ले लेती हूँ, देखो ब्राउन ब्रेड इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ सी, क्योंकि आजकल कुछ भी प्योर नहीं आ रहा, ये कहती है ब्राउन ब्रेड इसकी मैदे से बनती है, नहीं थोड़ा उसमें मैदा होता है, लेकिन मेरे भाई ने ना ये रिसर्च किया, इसके भाई ने रिसर्च, मेरे भाई ने इसमें कोर्स किया है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, और मैंने उसको यू मतलब मैंने खुद में अपने डाइट में लेती, तो आई नो वेरी वेल कि कब मुझे क्या, जैसे मैं ब्राउन ब्रेड लूंगी लेकिन नॉट
एवरी सिंगल डे, जैसे कि वीक में 3 बार ले लिया, 4 बार, 3 और 2 बार, बस दैट्स इट। सब अलग अलग, जैसे कि मॉर्निंग में मेरा यूजुअली मैं एप्पल कॉफी लेती हूँ, या फिर अलग दिन बनाना एप्पल विद कॉफी, एंड अगले दिन मैं लेती हूँ बनाना विद कॉफी, मेरा मॉर्निंग का रहता है। देन फिर अगले दिन मेरा बनाना विद कॉफी मोस्टली। हाँ, कौन सा बनाना? किसका बनाना? अरे बनाना, केला। किसका केला खा रहा? केला क्या होता है? अरे बाबा केला, सब लोगों को बताओ कौन सा केला खा दिया मॉर्निंग में? जो एक तो वो छोटा वाला केला भी आता है, छोटा छोटा केला आता है, वो मैं नहीं खाती हूँ। बहुत छोटे केले मिल रहे हैं तो छोटा केला नहीं खाती है? नहीं, ये नहीं खाती है। आ जाओ भैया, ये नहीं खाती है। वो अच्छा रहता है, लेकिन मोस्टली जब हम जाते हैं तो शॉप पे बड़ा वाला केला होता है तो मैं एक लेती हूँ। सुनो, अरे रूपी जी, ये बहुत सी बात बता रही है। वर्कआउट से पहले केला, ये बोल रही है, ये मॉर्निंग में क्या खाती है? तो ये अभी बोली, अभी लोगों को डाइट बता रही थी, रूपी को पता है मैं हेल्दी डाइट फॉलो करती हूँ। ये बोली कि हेल्दी डाइट फॉलो करती है, बॉम्बे जाके बहुत हेल्दी खाने वाली है। नो ब्राउन राइस, नो ब्राउन राइस, कौन सा केला? तो बोली आजकल छोटे छोटे केले मिलते हैं, वो मैं नहीं खाती हूँ। बोलो ना जो बोल रही थी। अरे वो बहुत अच्छा रहता है, उसको इलायची वाला केला कहते हैं। यस, वो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसको वो बड़े केले पसंद बोल रही थी। अरे बाबा वो पूरी बात बोलो ना, आप आए तो बात छूट गई। अरे बाबा वो यूजुअली इतनी जल्दी नहीं मिलते हैं, तो मैं बड़ा वाला केला रहता है एक वर्कआउट से पहले, ब्लैक कॉफी विद बनाना। एंड इसको बड़े केले पसंद है, इसको छोटे केले पसंद नहीं है। आप लोग रेडी हो जाओ। हाँ, कभी और कभी कभार मैं ब्लैक, यू नो मी ना, ब्लैक कॉफी विद एप्पल, और उसके बाद देन मेरा लंच में मेरा दाल रहता है, और मेरा सब्जी होती है, वेजिटेबल्स होते हैं, जूस होता है। सो मेरा डिफरेंट रहता है। चलो गाइस, अब डॉक्टर अभिनीत गुप्ता आपको देंगे बहुत ही अच्छे टिप्स। बताओ, ये देखो ये डॉक्टर है, ये क्या मतलब कि चेक देखो, ये देखो, ये देखो, चेक देखो, है ना? तुम्हें अब जिम करना चाहिए और योगा भी। कल बैंड बज गया था ना, हालत खराब हो गई। तुम 2 मिनट ऐसे नहीं बैठ पाए थे, तुमसे ज्यादा मैं इतनी ठंड में बैठ रही थी। तो क्या योगा करो, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तुम्हारी बॉडी में। रात भर मेरे को छेड़ती रही इधर उधर, आर यू क्रेजी? और बोलती योगा करो, ये कौन सी बात है? गाइस मैंने कुछ नहीं करा, मैं बहुत शरीफ लड़की हूँ।